हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल रेनबो पहाड़ में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज आपको बता दूँ, आज है 16 जून। उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज वो काली रात जिसे कि शायद ही कोई भूल पाए, 16 जून 2013 को जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उस टाइम उत्तराखंड को काफ़ी जनधन की हानि हुई थी, काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बहुत कुछ बदला उत्तराखंड में, बहुत कुछ लोगों ने देखा। एक महाजल प्रलय, जो विश्वास नहीं कर सकते लोग कि ऐसा भी केदारनाथ में कुछ हो सकता था, और ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से सब कुछ बदल गया पूरा। मतलब केदारनाथ में इतनी आपदा, इतनी बाढ़, पूरा तबाह हो गया सब कुछ। 16 जून आते ही मन में कुछ अजीब सा डर सा बैठ जाता है कि कहीं दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम जब 2013 में मैं भी केदारनाथ में था और माहौल एकदम गमगीन सा हो रखा था, क्योंकि उस टाइम की बात की जाए तो लगभग 11-12 जून से कुछ गलत संकेत, कुछ अशुभ संकेत मिलने शुरू हो गए थे, हड़ताल हो रखी थी कुछ, क्योंकि मैं उस टाइम केदारनाथ में था और मुझे ज्ञात है अच्छी तरह से कि अभी मतलब कुछ हड़ताल सा कुछ हो रखा था, मार्केट बंद हो रखा था, रामबाड़ा में सब जगह पूरा बंद हो रखा था, कहीं मतलब दुकानें चालू नहीं थी, घोड़ा खच्चर संचालित नहीं हो रखा था, तो कुछ मतलब लोगों ने कुछ विरोध किया था गवर्नमेंट को। मतलब पूरी जानकारी तो हड़ताल की मुझे नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा था, बारिश का मौसम था। और उस दिन मैं 11 जून को मैं घर आया था और मुझे जाना था दोबारा 13 को, लेकिन कुछ कारणवश मैं जा नहीं पाया। लेकिन 16 तारीख को जब मैंने सुना, हालांकि 14 तारीख को ही पानी का बहाव थोड़ा तेज़ हो गया था, लेकिन 16 जून आते आते सब कुछ तबाह हो गया। तो कहीं ना कहीं मन में ये डर दोबारा बना रहता है, मतलब ये तारीख ऐसी तारीख है जिसे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में भूल नहीं सकता है। एक ऐसी अनहोनी, उत्तराखंड ने ऐसा दंश झेला और ऐसी मार झेली आपदा की कि इससे उबरने में काफ़ी वक्त उत्तराखंड को लगा। कई भरे पूरे परिवार तबाह हो गए, काफ़ी लोग रोज़गार की तलाश में केदारनाथ की तरफ गए थे, काफ़ी लोग श्रद्धालु लोग मंदिर के दर्शन करने ऊपर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने गए थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। तो सबसे पहले तो मैं केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों को दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, किसी के साथ भी ना हो, कहीं भी ना हो, भगवान से ये कामना करता हूँ। तो इसी के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मौसम बिल्कुल आज फिर से पैक हो रखा है, पहाड़ों की तरफ मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी कर रखा है कि बारिश की संभावना हो सकती है। मानसून इस बार थोड़ा जल्दी पहाड़ों की तरफ लौट आया है, तो अगर आप पहाड़ों की तरफ आ रखे हो तो ध्यान दें, सेफ चलें और सुरक्षित चलिए, और अपने पास कुछ ज़रूरी सामान जरूर रखें, जैसे बारिश से बचने के लिए छाता, रेनकोट वगैरह, और रहने के लिए उचित व्यवस्था पहले से ही आपके पास होनी चाहिए। बाकी एक दो दिन पहले की बात है, हम जा रहे थे किसी कारणवश थोड़ा आगे दुकान की तरफ, तो हमने देखा वहाँ एक टेम्पू जो होता है, टेम्पू ट्रेवलर, वो रोड से नीचे की तरफ स्लिप हो रखा था, थोड़ा गिर रखा था। जब तक हम वहाँ गए तो वहाँ मतलब हमें कोई दिखा नहीं, ना ड्राइवर और ना कोई उसमें बैठी सवारी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये शाम को ही गिर गया था और उसमें जो सवारी थी उसको पहले ही उपचार के लिए भेज दिया गया था। तो अभी जब हम गए तो केवल टेम्पू ही यहाँ पड़ा था, लेकिन ये है कि सेफ रह के चलना आपके लिए अति आवश्यक है पहाड़ों में। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो बारिश के कारण हुआ, क्योंकि उस टाइम शाम के टाइम बहुत तेज़ बारिश हुई थी, शायद ड्राइवर को आगे दिख नहीं रहा होगा, या फिर ये हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आ गई, क्या हुआ ये तो हमें भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहाड़ों की तरफ आ रहे हो तो बिल्कुल सेफ चलें, सेफली चलें और देख के चलें, क्योंकि आप जो ड्राइवर होते हैं उनके हाथ में बहुत सारे लोगों की जान, बहुत सारे लोगों की जीवन की कमान होती है। तो बिल्कुल सेफ चलिए, पहाड़ों का रास्ता बहुत ही डेंजरस है, पहाड़ों में
कुछ ना कुछ छोटी सी छोटी लापरवाही किसी के परिवार के लिए अनहोनी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और सेफ्टी के साथ अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए, यह मेरी कामना है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास रहता है आज के इस ब्लॉग में। तो गुफ्तगू चल रही है विजेंद्र भाई और पंकज भाई के बीच, कुछ समाज के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हुए कि कैसे समाज को आगे बढ़ा दिया जाए। समाज तो, का हम खुद बोलें, हम आगे कैसे बढ़ें। तो हमारे साथ